आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होगा। पठानकोट पुलिस ने जम्मू कश्मीर से भागे हुए 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगभग 1 दर्जन FIR दर्ज किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शेर अली निवासी बेली चरना जम्मू कश्मीर, शेरू अब्दिद्दा सांसियां दीनानगर गुरदासपुर और राजबाली निवासी चारू जराई कठुआ जम्मू कश्मीर के रूप में हुई बताई गई है। जानकारी देते हुए सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोटली ब्रिज पठानकोट के पास रूटीन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को कब्जे में ले 260 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। थाना सदर पठानकोट में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। SSP साहब पठानकोट श्री हरकमलप्रीत सिंह जी खख जी के दिशा निर्देशों हेठ खतरनाक भगौड़िया अते मुजरमां नूं फड़न लई पठानकोट पुलिस ने जो मुहिम चलाई हुई है उस मुहिम के तहत अज कोटली ब्रिज के नेड़े SPD साहब की अगवाई विच असी 2 खतरनाक भगौड़िया नूं काबू किया है जो बहुत ही देर तो पुलिस नूं लड़ींदे सी और इन्हां खिलाफ जिहड़ा शेर अली है इस दे खिलाफ 2 मुकदमे एक रेप और एक किडनैपिंग दा जिला पठानकोट विखे दर्ज सन और जिहड़ा राजबली है इस दे खिलाफ तकरीबन 8 मुकदमे J&K दे विच दर्ज ने जिन्हां विच डकैतियां चोरियां 307 और एक ATM मशीन नूं उठ के महिंद्रा बलैरो गड्डी विच पा के अपने डेरे ते लै के जान दी वारदात भी शामिल है और ये जिहड़ा राजबली है ये J&K दा भगौड़ा है और जिहड़ा शेर अली है ये पंजाब पठानकोट पुलिस दा भगौड़ा सी। तो सो इन्हां बहुत ही खतरनाक भगौड़िया नूं काबू करके पठानकोट पुलिस ने बहुत ही भारी सफलता हासिल की।